आप अगर मार्केट में एक अच्छा ओवन लेने के लिए जाएंगे तो आपको दुकानदार तीन तरीके के ओवन दिखाएगा, पहला सोलो, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा ओटीजी। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या एक माइक्रोवेव ओवन हमारे लिए खतरा बन सकता है? आपको माइक्रोवेव लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो मैं हूँ अनिकेत, स्वागत है आपका कंफ्यूज ग्राहक चैनल में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर ओवन की बात की जाए तो वो दो तरीके के आते हैं, एक तो पहला माइक्रोवेव, दूसरा ओटीजी। माइक्रोवेव में अगर बात की जाए तो वो दो तरीके के आते हैं, एक सोलो और एक कन्वेक्शन। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पहले वाले सोलो के बारे में बात करें तो सोलो ओवन जो होता है वो सिर्फ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसमें आप अपने खाने को रीहीट या फिर डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। आप अगर ये चाहेंगे कि एक सोलो माइक्रोवेव आपके खाने को ग्रिल या फिर रोस्ट कर देगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव के बारे में। दोस्तों, कन्वेक्शन माइक्रोवेव जो होता है वो सोलो माइक्रोवेव का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। बस इसमें एक फैन लगा होता है जो कि हीट को चारों तरफ रेगुलेट करता है, इस वजह से वो खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाता है। एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव आपके खाने को ग्रिल या फिर रोस्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो जो फैन लगा होता है वो चारों तरफ से बाहर से भी हीट देता है, तो इस वजह से वो खाना को अच्छे तरीके से रोस्ट या फिर ग्रिल कर सकता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे टाइप के ओवन में, जिसको कि हम ओटीजी बोलते हैं। एक ओटीजी ओवन में आपको दो कॉइल मिल जाते हैं, एक आपको ऊपर मिल जाते हैं और एक नीचे, जो कि आपके खाने को ऊपर और नीचे से अच्छे से पकाते हैं। इसमें भी आपको फैन का सुविधा मिल जाता है जो कि आपके खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट और फिर ग्रिल कर सकता है। अगर आप अपने खाने को अच्छे तरीके से रोस्ट या फिर ग्रिल करना चाहते हैं तो जरूर से आप एक ओटीजी ओवन ले। कन्वेंशन ओवन आपको वैसा रोस्टिंग और ग्रिलिंग नहीं दे पाएगा जितना अच्छा कि आपको एक ओटीजी ओवन दे देगा। दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, क्या एक माइक्रोवेव ओवन हमारे लिए खतरा बन सकता है? दोस्तों, अगर बात की जाए एक माइक्रोवेव में लगने वाले ट्रांसफार्मर की तो वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो 240 वोल्ट को 2.1 केवी में चेंज करता है। तो सोच सकते हैं वहां पर वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है और वहां पर वोल्टेज कितना ज्यादा लीथल होता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वहां पर जो हाई वोल्टेज होता है वो पहले से ही अर्थ किया हुआ होता है, इस वजह से वो शॉक प्रूफ भी होता है, तो इसका चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका मैग्नेट्रॉन होता है, जो कि वो हाई वोल्टेज को माइक्रोवेव में कन्वर्ट करता है, और उसी पार्ट को किसी भी माइक्रोवेव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इस वजह से अगर आप माइक्रोवेव लेने के लिए जा रहे हैं तो आप इस बात का जरूर से ध्यान रखिए कि वो कंपनी आपको कितने साल का वारंटी दे रही है उस मैग्नेट्रॉन पर, क्योंकि अगर मैग्नेट्रॉन खराब हो गया तो कोई भी आपका लोकल रिपेयर जो काम करता है वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। आपको लेकर के जाना पड़ेगा उसका सर्विस सेंटर, और अगर सर्विस सेंटर आपकी सिटी में नहीं होगा तब तो आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ जाने वाली है। इस वजह से अगर आप एक माइक्रोवेव ओवन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी वारंटी और फिर उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है उसको जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, और एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि उनके लिए कितने लीटर का ओवन अच्छा होगा। अगर आपकी फैमिली 3 से 4 लोगों की है तो बहुत सारी कंपनी आपको सजेस्ट करेंगे कि 20 लीटर का ओवन आप ले लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 28 या फिर 30 लीटर का ओवन लीजिए, क्योंकि 20 लीटर का ओवन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और आपको उसमें बहुत ज्यादा कम स्पेस महसूस होगा। लेकिन आप प्राइस अगर कंपेयर करेंगे 20 लीटर या फिर 28 या फिर 30 लीटर के ओवन में तो मात्र में आपको 2000 से 3000 का डिफरेंस मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से 2000 या फिर 3000 रुपए ऐड करके अगर आपको एक अच्छा बड़ा ओवन मिल रहा है तो आप उसी ऑप्शन को चूज करिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बेस्ट ओवन नहीं बता रहा, उसके लिए मैं एक अगला वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने सोचा कि इस दोनों वीडियो को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो अपलोड होने वाली है वो बेस्ट 5 ओवन की आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि कौन सा ओवन आप ले रहे हैं अपने लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।